अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम धरती अवां जे तक में सागर मां आहियां मुजाहिद शाह। नाज़रीन, धरती टीवी जो अज़म है त इश इलेक्शन खां अॻु में पंहिंजे अवाम खे, सिंध वासियुनि खे उन्हनि जे तकनि जे बारे में मुकमल ॼाण ॾियूं ऐं उन्हनि जे उमेदवारनि जे हवाले सां बि उन्हनि खे ॿुधायूं त हुन इलेक्शन में हुननि जा कहिड़ा उमेदवार साम्हूं आया आहिनि ऐं जॾहिं हू वोट ॾियणु वञनि त उन्हनि उमेदवारनि खे ॾिसी करे, पार्टी जा मंशूर ॾिसी करे, पंहिंजा मसला साम्हूं रखी करे जेन्युइन तरीक़े सां वोट ॾिए त जीअं हुननि जा मसला हल थी सघनि। असां सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां थींदा अचूं पिया। अॼु असां कराचीअ जे गेटवे वारे ज़िले मलीर में मौजूदु आहियूं। मलीर जो जेको हिन वक़्तु PS आहे, 87 साल ते मौजूदु आहियूं। मलीर ज़िलो 20 लख खां वधीक आबादीअ जो शहरु आहे, ॻढ़ आहे, ऐं हिन जी जेकी वधीक आबादी आहे उहा सिंधी डोमिनंसी आहे। पंहिंजा सिंधी धरती धणी हिन तक में, हिन ज़िले में तमामु वॾे तइदाद में रहनि था। जेकर मलीर जो तारीफ़ कजे त मलीर बाग़नि जो, ढंढुनि ढोरनि जो इलाइक़ो हो, मगर हाणे आबादीअ जो दबाव तमामु शदीद थियण खां पोइ मलीर में सॼे प्लाटिंग जी चाइना कटिंग थी वई आहे ऐं उहे बाग तबाह थी विया आहिनि। पाणी जा मसला आहिनि, सेवरेज जा मसला आहिनि, सफ़ाई जा मसला आहिनि, ॿिया कहिड़ा मसला आहिनि उहे असां आवाम खां पुछंदासीं। पहिरीं तव्हांखे मलीर जे हवाले सां जेकॾहिं थोरो ॼाण ॾियूं त मलीर में हिन वक़्तु 5 सूबाई ऐं 3 क़ौमी जा तक, ऐं असां ॻाल्हि पई कईसीं PS 87 जी त असां पिपरी ॻोठ में मौजूदु आहियूं। PS 87 जो तक आहे, असां हिन वक़्तु फुटबॉल ग्राउंड वारे चौक ते मौजूदु आहियूं ऐं यकीनी तौर ते असां सां जेको पहिरियों असांजो तासुर रहियो त हिन इलाइक़े जी हालति ओड़ी हूंदी जेका सिंध जे ॿियनि इलाइक़नि जी आहे, त मूंखे लॻो बि ईअं। ऐं तव्हांखे ॾेखारियो था हीअ मेन फुटबॉल ग्राउंड जो जेको चौक आहे, सॼी आबादी जेकी आहे सिंधी आहे। तव्हां हिते हालति ॾिसो था त रोड बि मुकमल तरह सां ठहियलु न आहे, कचिरो त पंहिंजी जाइ ते आहे, ॿिया मसला त पंहिंजी जाइ ते आहिनि, पर जेको बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर आहे रोड जो, उहो रोड तव्हां ॾिसी सघो था त रोड टुटल आहे। रोड ते का बि कान्हे का गंद, किचिरो, हिकिड़ी तमामु हिकिड़ी अहिड़ी सूरत हाल आहे जेका असांखे सिंध जे हर तक में नज़र अचे थी। पर ॾुख इहो थो थिए त कराची जो मलीर वारो जेको इलाइक़ो आहे, जेको सिंधी डोमिनंसी वारो इलाइक़ो आहे, उते बि साॻी सूरत हाल आहे जेका असांखे ठटे बदीन जे या सजावल जे या ॿियनि शहरनि में ॾिसण में आई। असां हाली माण्हुनि खां पुछा कंदासीं त उन्हनि जा बुनियादी मसला आख़िर हल छो नथा थियनि, जेकॾहिं हल नथा थियनि त आख़िर उन्हनि वटि हींअर वोट जो हथियार मौजूदु आहे, उहो उन हथियार खे इस्तेमालु करे सघनि था ऐं वोट खे इस्तेमालु करे पंहिंजा मसला हल कराए सघनि था। चाचा, हिन ॻोठ जा कहिड़ा मसला आहिनि? हितां जा मसला इहे रोड रस्ता पाणी थो था भॻा पिया आहिनि था, को कम ई कोन थो थिए। हींअर वोटनि जी सीज़न आहे, हींअर त माना जेके हा त पोइ चवंदासीं बाबा जी पुन जी मर्ज़ी आहे, पंहिंजो कमु कढी था पोइ निहारनि ई कोन था। कंहिंखे वोट ॾींदा हो? वोट पीपल्स पार्टीअ जो। उहो कमु नथी करे? नथी करे। नथी करे त उन्हनि खे छो था ॾियो? राज बस हाणे असांजी मर्ज़ी आहे। साईं, मसाला हिते आहे बिजली जो ॾाढो ब्रेकडाउन थिए थो ऐं ॿियो नाला हितां जा ख़राबु थी विया आहिनि ॾाढा, ठीकु आहे। ऐं रोड हीअ 2-3 दफ़ा मंज़ूर थी चुको आहे पर ठहियो कोन आहे अॼु ताईं। कंहिंखे वोट ॾिनो? वोट असां पीपल पार्टी खे ॾींदा आहियूं। पुछाणो कयो अथव? पुछाणा साईं को वॾो हुजे कंहिं पुछा कयूं, जेको मौजूदु आहे कंहिं माण्हू खे ॾिनव उन ते गिची मां झलियव त बाबा वोट वठी वियो? न साईं, असां कोन कयो आहे। छो नथा कयो? छा जे लाइ कयूं साईं? हाणे को वॾा माण्हू असां ग़रीब माण्हू केॾा वञू? वोट तव्हां वटां ताक़त, हींअर तव्हां वटां हुननि वटि का बि ताक़त कान्हे साईं। ताक़त लाज़मी वोट उन्हनि खे ॿियनि खे ॾियो जेको सुठा माण्हू आहिनि साईं। लाज़मी पीपी खां असां पीड़ी ताईं आहियूं त पीपी वोट ॾींदा। बाबा ॿधल त न आहियो त पीपी खे वोट ॾियो साईं। असां वॾा जो हुनखे ॾियनि था त मूं केॾांहुं वञूं? असां पिपरीअ जे इलाइक़े में मौजूदु आहियूं, PS 87 ते मौजूदु आहियूं ऐं PS 87 ते असांखे पीपल्स पार्टीअ जो जालो मिलियो आहे। तव्हां पहिरीं इहो ॿुधायो, तव्हां हिते ख़ुशि आहियो हिन कम में, हीअ सूरत हाल आहे? सर, असां ख़ुशि आहियूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमु करायो आहे, कुझु रहिजी वियो उहो बि इनशाला थी वेंदो। हीउ कमु करायल आहे? हा, हीउ करायल आहे, अधु थी वियो अधु रहियल आहे। इहो थी वियो यको जीअं आंदर आहियूं तक में जी जी रोड सलामत न मिलियो आहे या छो न आहे? टुकड़ो हिकिड़ो ख़राबु आहे, ॿियो त सॼो सही आहे। सॼे चौक ते हिते बाबा जेको बि कमु करायो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करायो ऐं कराईंदी। अहिड़ो कमु? अहिड़ो कमु न आहे, हाणे कमु हले थो पियो, बिल्कुलु सही आहे। असां वटि को कमु कोन थियल आहे, को कमु न थियो आहे असां वटि। हली ॾिसो, असां ॿुॾूं पिया थार ॻोठ, थार ॻोठ, थार ॻोठ, थार ॻोठ जो रहवासी ॻाल्हि ॿुधो, असां सां ज़ुल्म आहे। थार ॻोठ में हली ॾिसो, सर ज़मीन ॾिठी वञे, असां सां को कमु न थियो आहे। चाचा, कमु नथो थिए त पोइ माण्हू तव्हां वोट असां ॾींदासीं कान, कंहिंखे बि न ॾींदा। कंहिंखे न? अॻे बि पीपीअ खे नुआसीं ज़िंदगी, असां पीपीअ खे नुआ, असांजो कमु को बि न थियो आहे। छाजे करे नथो थिए कमु? बसि थी बसि असांजी ॿुधजे कोन थी ग़रीबनि जी, छो त रोड ख़राबु आहिनि। असां मौजूदु आहियूं, ऐं चाचे जी ॻाल्हि सही आहे, ही दोस्त पीपल्स पार्टी जो अचे थो कम कराया आहिनि। हाणे ही काफ़ी करायो, हिन जे ॻोठ जो करायो आहे, हिन जे ॻोठ जो करायो आहे, बिजली जो कमु करायो, हाणे हाणे करायो, साजे साहिबु करायो, हाणे करायो। हली ॾिसो, सर्द में ॾिसो, को मसलो नंढो न आहे, मसला सभु वॾा हूंदा। नाज़रीन, तव्हां ॾिसो था त पीपल्स पार्टीअ जा वर्कर आहिनि,
जतोणी उनके आमादा करने की कोशिश कंदा पर आवाम आवाम है यकीन जने चिड़े तो उठे तो पर चाचा हाँ गाल बुझो तवा वट ताकत वोट जी आ हां जे वोट जी ताकत सही इस्तेमाल कंदो तो मसला हल थी ना सही दिना सही वोट दिना असा उनन के अला के सुन्या तो असा सही जन के सुन्या तो कर हनी असा के न छो चाचा ता छदा चोन जा 15 साल से को कम कर जो ना जो तो वो आना 15 साल मन पे इलेक्शन गवर्नमेंट वसवाली ये हेड़ा वजीर से बस को कमा लिया वजीर ता दा कन वोट ता दा दियो ने असली चादी तो पुराने चा कर वेड़ो पूछानो कतो है हां पूछानो कतो उन्होंने कहा सारे कम सुन दियो सब केओ डाइन से बाजो सुनने नहीं कौन सा पैसा कर वोट दिना आयो हां सा वोट दिंदा सी के के दिंदा बस सा दिंदा सी पीटीआई के दिंदा सी छाजे करे छो जो पीपल्स पार्टी के पेरा आजमायो आ हाँ वे पीटीआई के आजमान चाहिए पीपल्स पार्टी एतमाद साई अस कुछ कम ही न क्या रोड ऐसो रस्ता ऐसो नालू ऐसो अस कि लगा पियान अस इन इलाके में आया हूँ यकीनी तौर से मानु के शायद इतने का पैर में मीडिया टीम ना आई है उनके करे मानु सब परेशान हैं और पांजे अंदर जी ओबर करण चाहन था कि कड़ी सकन था अस इन इलाके जहाँ वाइस चेयरमैन आए पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है साई मानु आवाम की अस राय बुधी है वह तो मुकम्मल तौर तहां के खिलाफ है। देखो बात यह कि हम तो खैर ये नहीं कह सकते कि आवाम हमारे खिलाफ है बल्कि मैं हम तो ये कह दे कि आवाम हमारे साथ कैसे साथ है न रोड है न रास्ता है न पानी है न सेवरेज है कैसे साथ हो गई आवाम। देखो सेवरेज का काम तो काफ़ी हद तक हुआ है और मेरे ख्याल में अगर लोग इसको नहीं मानते कि नहीं हुआ है तो ये सामने है सीवरेज का हमने तो देखा है नहीं, सीवरेज का काम हुआ है तो कहाँ पानी नजर आ रहा है ना अगर ये काम हुआ है ये अगर आप इस काम से मुतमैन हैं तो देखो हम ये नहीं कहते कि हम मुतमैन हैं लेकिन काम हुआ है ये बात नहीं कि काम नहीं हुआ रोड का काम भी हुआ है कब्रिस्तान का काम भी हुआ है सीवरेज का काम भी हुआ है लेकिन ये ज़ाहिर वसाइल कम है जहाँ वसायल कम हो आबादी ज़्यादा हो वहाँ तो ज़ाहिर 100% काम तो नहीं हुआ है कम थियान छो न थियान हे रोड ठयान सेवर जे ठयो बिजली थियो बुद गाल बुद हे जो को चौक ते बिठा हूं माने जी जी मुतमैन तो ठीक आयो ना यो ठयन तो टुकरो ठयन तो गाल जे की हुंदी सा कभी सफाई खा मुतमैन सफाई इंदाल बंगी इंदाल सफाई बुद बंगी इंदाल हफ्ते में सफाई कंदा जे सेहत जी सवलो तो आंदे हे ते जी आए घट है छो जो कूड़ पा न कंदा ताली में शासरो ते हाल है ताली में सही प्राइमरी स्कूल सही पे हाल है तमे दिसो मास्टर चेक करियो कम जरूर थींदा ये ना है 100% कम थी वने पर उन के बावजूद भी जितो कम थियन घुर्जे ओतरो थियो कोन ता छा छा जे जो के पेरी भी अंडा लगान डिगई दे मा भी तेरा तो मा साहब या ता के खबर है मा से मिले में बा बजे मा ता तक जो है को कम न थियो है सजे बुदे ना कम कराया पियो को एक टक जो कम न कयो तो जगह इन तक में घड़या आयो तो एढ़ाई शय डठियो मसलन जा अंबार हैं कम थियो आ या न थियो आ हाँ वो बेस इन वक्त इन करे फजूल थी वो छाकाणि इलेक्शन मथा है जेको जेको समझे तो कम थियो आ वो वोट दे उन मानू के दे जे के वो बेहतर तो समझे उनन मानन के जिन चूंडे चूंडे बार बार चूंडियो आ कम न थियो आ तो इनन के कहीं बधो भी कोने को मजबूर न होजन घुर्जन उनन के घुर्जे तो वो जी इन वक्त सवाल असंगा पे अगर मीडिया सा गलायन ये ही सवाल उन 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 नुमाइंदे सा कन उन जो कालर पकड़ीन तो थियो शा थियो है नादरीन पीए 87NA 236 ते असा मौजूद आयूं आवाम जी राय ता बुधी इंतहाई आवाम कावड़े लाए चार्ज है आवाम जो को टेम्पो आ इंतहाई हाय आए उन जो चवणा ते को भी कम कोन थियो आ जेतोणी पीपल्स पार्टी या जे केता जा ब्या चुनल नुमाइंदा रहयान उन जो यो बार बार बावर कराया तो उन्होंने कम किया जितोणी वे पान भी मुतमैन ना पर इन वक्त असा जै रोड से जै गोठ से हलू था पाया उन हालत भी तुम ऐसो पाया तो रोड यकीन तौर से उखड़ो पो है रोड उखड़न से गडो गड घटन में सेवरेज जो पानी बीठो है गंद किचरे जहाँ ढेर लगा पाया नादरीन पीए 87 मौजूद आयो आई तक मसला देखारियासी मुख्तलिफ़ मान जहा तुम बुधा जज्बाती मानू हुआ उनको यकीन जज्बाती थे हक भी है जैसे तवजा मसला हल न थन तो तक सको सवाल दाहू कर पा अना नौजवान से ाली रोड की हालत यकीन खराब आ धप है अदा तुम तुम नौजवान आ बुधा तुम मसला कड़ा घा मू तो जज्बाती रियल मसला बुधा 2002 का वी मिनिस्टर साजिद जोखियो जो इन हल्के मिनिस्टर रो जकात में भी रो काफ़ी उहदन में रो पर इलाके में को अड़ो कम न किया जैमें आवाम मुतमैन हो आवाम एडी बखील लगी पी आ जो हाँ बुध आज उन जलसो आ प्रोग्राम आ त मुश्किल आ चव तो आवाम शायद उनके भींड हणे उन इलाके में कढ़े उनके अस लोकल नुमाइंदन के बिल्कुल कालू कर होंद गटर के सेवर के मसले लाइन असो होंद बेड़ी वो तो उन्हें तरो वही
इन हवाले से काफ़ी एतराज भी बस स्टैंड साजू जोखे जो उन कुराड़ा जियालो पीपल्स पार्टी जो उन अस फोन की अस रैली कड़ी से उन अस घिटन जो कम थो हाँ तुम ऐसा इलाके में कड़ी गंदगी आ को कम ना का सहूलत ना साजू जोखे साहब तेरा ही मू मौजूद है जी साई बिल्कुल अस तचूँ था जो तुम मिलन चाहें तो पुछंदी अस सवाल रखासी न तो इन की गाल रिकॉर्ड से है तवहाँ जहाँ मानू जर ये चवंदा तो वही बेड़ी वी गटर के पानी में तरो तो तवी खिदमत करण जो जज्बो केड़ा वो तुम वोट वन की जरूरत कड़ी है आवाम में वही अचो था पाया नादिर तुम आवाम जहाँ राय बुधा हाँ पी एस 87 के असर बेन इलाक में पी एस 90 के इलाक में हल्दी उतान के आवाम जहाँ भी राय बुधाई तक तो चाहन उन मसला कड़ा पर उन पैं पान वा नड़ो कमर्शियल ब्रेक नादिर जी असा तक बुधायासी तो मलीर जो जिलो है वो 5 पी एस के तक और 3 एन ए के तक मौजूद है तक मलीर जिले के हवाले से मुख्तलिफ इलाक के मानून जहाँ विचार बुधायासी इन वक्त अस मौजू इतने आया तो एन ए 238 जो पीपुल्स पार्टी के तरफा नामजद उम्मीदवार आगा सैद रफीउल्ला पी एस 89 के हवाले से उम्मीदवार है सलीम बलोच इतने कैंप लगल है उनके सजे तक के विजिट कर आया उनके बुधाई पुछंदा उन्होंने वट कड़ो मंशूर है आवाम के पीपुल्स पार्टी के तरफा कराची में जो मलीर जिले से उम्मीदवार नामजद किया वह यकीनी तौर से उनकी अहमियत होने वक्त अस इलेक्शन कैंप से आया हूँ आगा सैद रफीउल्ला से गड आगा सैद रफीउल्ला के पैं तो धरती थी शाह साहब आपको वेलकम करते हैं आप पीपुल्स पार्टी की जानब से एन ए 238 पर उम्मीदवार नामजद किए गए हैं पहले तो ये बताएं कि आपके जो एन ए की हदूद हैं वो कहाँ तक है हमारी एन ए की हदूद यहाँ मलीर पुल से शुरू होती है और बैंस कॉलोनी मोड़ से मशीन टूल फैक्ट्री कैटल कॉलोनी फिर साइली कैटल साइली पट्टी जो है वो इब्राहिम हैदरी तक कुरंगी क्रीक तक है अपने जो अहम मसाइल हैं कैटल कॉलोनी के और इब्राहिम हैदरी के पानी का सबसे बड़ा मसला है वैसे तो पूरे सिंध का मसला है ख़ासतौर पर अगर कराची की बात की जाए तो फिर ये बैकवर्ड एरियाज होते हैं मलीर और मलीर के अलावा जो इब्राहिम हैदरी का इलाका है सबसे पानी अगर नहीं है नापेद पानी है तो यहाँ है उसके लिए आपने कोई प्लान जोड़ा है देखिए मैं आपको अगर अभी से कहूँ कि जी मैंने ये कर लिया वो कर लिया लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी है पानी और जैसे मैंने आपको कहा तो ठीक है प्रायोरिटी तो होती है कोई प्लान जहन में होता है कि अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं इस तरह से काम करूँगा इंशाल्लाह लाजमी देखें एक तो ये है कि मैं अब अपने पूरे सूबे के या मुल्क के मामलात में जो सिलसिले चले आ रहे हैं वो नहीं इंशाल्लाह ताला ने चाहा हम बेहतरीन किस्म के प्लांट लगाएंगे जो हम इंशाल्लाह ताला जब दुबई यूएई में समंदर से पानी लिया जा सकता है और वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं तो क्यों ना यहाँ भी इंशाल्लाह ताला हम ये आपको करके दिखाएंगे और इसी समंदर के खारे पानी से मैं और ये सारा इलाका पानी पियेंगे अल्लाह ने चाहा ठीक है आपके जो अपने ख्याल हैं वो अपनी जगह शाह साहब यहाँ इस हलके में पीपुल्स पार्टी का जो आम वोटर है उसके आपके हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात हैं और बहुत ज़्यादा उनके ग्रीवेंसेस में हैं उनका एक तो सबसे बड़ा है कि आप वो पुराने जियाले नहीं हो नज़रियाती नहीं हो आप मुफाद परस्त हो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में लोटे बन के आ गए हो यहाँ पर क्या है ये बात सही है नहीं बात तो ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मैं वाहिद वो लड़का था उस ज़माने में जब मैंने मुझे ये लेके गए थे लॉकअप किया और उसके बाद एहतजाज हम कर रहे थे जियाद आमरियत में तो जब ये लेके गए उन्होंने बोला ये तो इस इनकी एज नहीं है कि हम FIR करें मैं वापस आके झंडा लेके बैठा था तो उस दौरान BBC ने भी मुझ पर जो है उस टाइम कमेंट्स चलाई छोड़ी की थी पार्टी छोड़ी की थी तहरीक इंसाफ में क्यों गए थे मैं असल में तहरीक इंसाफ में नहीं गया था हम गए थे मुस्लिम लीग में और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि यहाँ पर लोकल जो हमारे क़यादत थी उनके साथ नाराज़गी और उनसे मतलब उन्होंने उस स्टेज तक ले के गए थे कि हमें छोड़ना पड़ी और उस ज़माने में मैं नहीं था हम 70 लड़के थे जो हमारे साथ PSF में भी चले थे और फिर पीपल्स यूथ में भी चले थे बहरहाल ये एक तल्ख हकीकत है हम बुला गए नाराज़ हैं आपसे जो नाराज़ दोस्त हैं उनको कैसे मनाएंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा आलमिया ये रहा है कि अगर टिकट ना दो तो लोग छोड़ के चले जाते हैं आपने भी कोई डिमांड की थी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और कोई भी नाराज़ नहीं है इंशाल्लाह ताला जो दोस्त हैं ये जमहूरी हक है हर दोस्त का
सकती है वो स्ट्रगल करे, कोशिश करे और पार्टी से टिकट ले। जो टिकट नहीं मिला तो इंशाल्लाह ताला ये सारे दोस्त हमारे आपको इस तिरंगे के नीचे और भुट्टो साहब के फलसफे में नजर आएंगे, कोई भी बाहर नहीं मिलेगा। इन वक्त अस पीएस नवे जे 90 जो जो पीएस है उनके उम्मीद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा अब्दुल रजाक से गुड मौजूद आयो। राजा साहब पा रोड तीन मौजूद है, अस मिली वही गाल वूँ तो राजा साहब पे तक भली कार था क्यों अस प्रोग्राम धरती अवान के तक में तुम पीपल्स पार्टी के तरफा पीएस नवे ते उम्मीदवार आयो, तुम काफ़ी सीजन पॉलिटिशियन रहा आयो, इन तक जहाँ बुनियादी मसला कड़ा है? इतने वे में वो मसलो आ पानी सेवरेज ए बिजली, इतने जो मेन मसला जो असम में सफर करें पो। पीपल्स पार्टी मुसलसल हुकूमत में रही है, ये मसला भी मुसलसल है। मलिर शाह को अज जुल्म ना है, मलिर शाह 40 साल 50 साल जुल्म रो उन जुल्म के हल कराने ला मलिर जहाँ नुमाइंदा असेंबली में वही निंड कह या आवाज़ उठारिंदा वह साई असा दिस आऊं के नुमाइंदे के शख्स की गाल न तो के आऊं ओवरऑल उम्मीदवार की गाल सर बुदो आऊं ओवरऑल पीपल्स पार्टी की गाल के तो पीपल्स पार्टी इलाही कुछ मलीर के डिलीवर के हुआ छा डिलीवर के साई पीपल्स पार्टी मलीर में स्कीम दिनन पीपल्स पार्टी मलीर पैकेज दिनो लास्ट टेनवर में पीपल्स पार्टी इते जे स्कीमन के मेरिट जे बुनियाद ते दिसु हल्का घुमी आया हूं। सेवरेज जो निज़ाम कोने को, पानी शाट जहा ही है, सफाई काने का, गुर्बत तमाम घनी है, बेरोजगारी घनी है। तहे लगे ये तो मलिर जहाँ जो तिला इलाका घूमू था तो लगे तो शहर में ना कराची का बाहर आयो, वाकई कराची का बाहर साई हकीकत ये तुम्हारी गाल के रद्द डिनाई नो क्या और पा हर हल्के में जैसे लथो आ तो मुझे इलाही कुछ वो दिसे तो उनते भी सोचा तो ये असा मसला अज का 20 साल पे हलतेण वारा होजन हलतेण जोगा हुआ पर असा शायद उनके सुठे नमूने एड्रेस न कर सकें। पीएस नवे आबादी घनी है? पीएस नवे की आबादी तकरीबन अबाउट 6 लेका न थोबाला इतने वोटर असो 1,18,000 इतने की आबादी अबाउट 3 लख की करीब करीब आवाज तालीम काबिलियत है अलहमदुल्ला ग्रेजुएशन किया शुक्र अलहमदुल्ला रुगो ग्रेजुएट मिलन था पा तुम डेमोक्रेसी ला तमाम घड़ी कुर्बानी डेमोक्रेसी स्पेलिंग है याद बिल्कुल स्पेलिंग DEMOCRACY डेमोक्रेसी नादर सही बुधाया या गलत बुधाया तहां फैसलो मता तकड़ में गलत भी थी सके तो मेहरबानी नादर हालू था के बे उम्मीदवार दे हन वक्त अस पीएस नवे में ही मौजूद आयो हन वक्त अस गड अस उन के कैंप ते आया हूं शाहिद इकबाल आराई जो को मुस्लिम लीग नून जो उम्मीदवार है उन का पुछंदा सी त मुस्लिम लीग नून छ तो सजे मुल्क में हन वक्त बड़े क्राइसिस में है पर पीएस नवे ते शाहिद इकबाल आराई मौजूद आ शाहिद साहब पहले तो तवा के प्रोग्राम धरती अवा जे तक में भलीकार था कयो तुम कराची के पीएस नवे मलिर में मौजूद हो उत बीठा हो कि था पोजिशन भाई अल्लाह के फजलो करम से यह सीट अस विन कदी ए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 4 यूनियन काउंसिल अस घटल आयो शहरी हल्के में लख वोट आए लख में मुस्लिम लीग नून जो है वह वोट खणदी गोठन में राजा रजाक जो है पीपल्स पार्टी जो कैंडिडेट्स है उनको माजी बेहतर ना है गोठन में एज ए बलोच कौम चाकिंग करे छी है तो 3 अरब जो हिसाब दियो तो तक वोट दींदी बाकी अस जिते भी वनू पा मू गुल कर वेठा अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून की जीत है असि खट है इनशाला वही गाल उतन इल्ज़ाम भो है तो राजा रजाक के खिलाफ मानून में खुश ना चाकिंग थी यकीनी तौर पर इलेक्शन के ढीह में इन किस्म जहाँ अमल थन्न ताल कई तुखालफन जो निंड फिटल पर लगे ये तो भी निंड फिटल ना असि निंड को फिटल है मैं अदना सौ कारकुन आया मुस्लिम लीग नून जो मुझे लोकल बॉडी में मुझे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे टिकट दिनों में साबका टोन आजम के हरायो भारी शिकस्त हरायो 10 पार्टियों एकड़ी साइड थो मुस्लिम लीग नून एकड़ी साइड थो हुई मैं मेंबर भी आया जिला काउंसिल कराची जो पार्लिमानी लीडर भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची जो आया ऐसो तो 6 महीना पे इन बिलावल जो जलसो जो मलिर में किया हो 6 महीना तैयारी में लगा हुआ मुख्य 3 दिन के नोटिस से मियाँ शहबाज शरीफ पाबंद किया तो मैं वो जलसो जो मलिर में असा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हजारों के हिसाब से पंडाल में माड़ू हुआ हजारों के हिसाब से बाहर माड़ू हुआ शाहिद इकबाल जी पी जहाँ गाल पा उम्मीदवार एन पी एस 90 तौमी शाम में शायद सूबाई सदर है वो इन तक पी एस 238 मलिर तीठो है
उनकी पोजिशन की साई जी दिसो अल्लाह के फजलो करम सा शाह साहब भारी अक्सरे सा खटंदो इन तर में 238 में इन वक्त ते साई जो रिकॉर्ड एकड़ी भी इलेक्शन न खटी दस दिसो साई जो रिकॉर्ड हिंजन पाकिस्तान तब्दीली आए वोट के इज्जत दियो ता असा जिते भी वणू पिया आई असा के इज्जत मिले थी शाह साहब असा सुबाने का कैंपेन शुरू केऊ पिया इलाके में तहां जी रहाइश इन तक में जी मुजी भी इन तक में रहाइश अभी तक में रहाइश बना दिसो शाह साहब जो दादो जको है 1924 में कराची जो मेयर रहल है आई शाह साहब जको खानदानी कराची में आए ता असल वारिस शाह साहब आ रहा है कराची जा असा पो भी धारया आयो आई जको दावो करन पया पान के धारियो ता समझो ना मुजो चण जो मकसद है जको शाह साहब के माडू समझन पया शाह साहब जको धारियो है ये ना है असा भी इते आयो शाह साहब भी इते जो है ठीक है तहां जो गालियो सही है चो के असल त धणी उही है जके सदन का सालन का रहन ता पर सब का वधिक धणी उआ जको हन धरती के पंजो तो करे चाहे वो केडी जुबान सा रंग नसल सा ताल्लुक रखे पर जे सिंध के पाजी मां मन्यो तो वो यकीनी तौर ते कामयाब विंदो ए हन के ता जी आवाम मोटिव दींदी। नाजरीन मलिर के पी ए 87 एन ए 236 मौजूद आयु तक के मान जहाँ तुम विचार बुधा उन शिकायतू बुधियं उ सवाल जो उन्होंने असा क्या असा यकीनी तौर से सवाल उन नुमाइंदन आगे रखने की कोशिश क्यों था पाया जे अस मिलया असा इन तक बीठल पीपुल्स पार्टी पीटीआई या तो जी बी पार्टी नून लीग उन सभी के उम्मीदवार से राबता भी क्या जे अवेलेबल थी सके उन्होंने गाला है इन वक्त अस पी ए 87 पीपुल्स पार्टी जो उम्मीदवार मोहम्मद साजिद जोखियो मौजूद है सजे तक में अस घुमया आयो सब का वो मसलो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है बिल्कुल तुम बिल्कुल सही था चो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है उन कारण यो सब का वही आबादी जी माइग्रेशन जी थी है सो इन इलाके के अंदर थी है तब पा खबर तो पैर मलिर 9.5 लाख की आबादी से मुश्तमिल हो इन वक्त 19.5 लाख की आबादी से मुश्तमिल है 19.5 लाख की आबादी है इन वक्त ज़ाहिर जैसे 10 लाख की आबादी जो माना सब का वधिक आबादी जी आबाद मलिर में थी है वह अच्छी पिपरी के इलाके में थी गगर के इलाके में थी है तो ज़ाहिर उन नए इंफ्रास्ट्रक्चर के बनायण में एकड़ो टाइम भी लगन दो है उन मानून के आबाद कराण भी एकड़ो टाइम लगन दो है गोठन जी जकी इंफ्रास्ट्रक्चर हालत सा दिसी आया हूं सिंधी गोठ हन को अज जाना हन तमा चो था नवा गोठ आबाद थया हो जन पो वो थे नई माइग्रेशन जरूर थी या शहरी इलाके वाले पास दिया रोडन वाले पास दिया पुराना जके गोठ हन उनन में अन्या तई पीने जो पानी सेवरेज जो निजाम बेहतर ना है पीण जे पानी जे लिहाज का हते मु तकरीबन पानी मोस्टली 99% मु पानी करायो आ शाहनवाज गोठ जो थोड़ो इशू है उनके पैप जो अज जो सो उन पैप लगे पो जैं वाटर बोर्ड जो एज ए वाइस चेयरमैन होस तो मूँ उन इलाके के अंदर पानी 99% दिनों जो अगर शाहनवाज के थी तो वे वो अज इंशाला तला उन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कम करे पी तो यो 100% अस पानी दींदी तो इतने जो सब का वही जो मसलो है वो है बिल्डर माफिया जेके हिते तव्हां शाह टाउन या हिते परसगिरदार में जेके इन्हनि ठाहिया आहिनि इन्हनि जेके बिल्डर माफ़िया त ज़ाहिर उन्हनि खे न पाणी था ॾियनि न बिजली था ॾियनि न गैस था ॾियनि बिल्डर माफ़िया जी तव्हां ॻाल्हि कई यकीनी तौर ते मलिर जा जेके टे अहम इशू आहिनि रेती बजरी वारो मामिलो हो जेको हाणे घटि थी वियो आहे पर आहे चोरी अञा भले थी पई सभ खां वॾो मामिलो जेको ॿियो हो उहो हो जेके मलिर जूं ज़मीनूं हुन चाइना कटिंग करे या कब्ज़ा करे जेके बिल्डर माफ़िया आहिनि सोसाइटीज़ ठाहियूं उन जे करे आवाम तकलीफ़ में आहे पर साईं ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां गुज़िरियल हुकूमत में बि रहिया उन खां पहिरीं बि रहिया वज़ीर बि रहिया उनखे पहिरीं बि रहिया मुसलसल तव्हां 15-20 सालनि खां हैट्रिक ऐं 4 दफ़ा तव्हां चूंडजी आया आहियो उन्हनि माफ़ियाउनि खे अगरि लगाम केरु ॾींदो जेकर तव्हां चूंडियल नुमाइंदा न ॾींदो त पोइ ईअं सम्झो त तव्हांजी सरपरस्ती आहे ॾिसो असां हमेशह रोकियोसीं असां उन्हनि माण्हुनि खे रोकियोसीं पर जेके 99 जॾहिं ज़मीन खुली हुई त 99 कराई इहे जेके आबादियूं कयूं त ज़ाहिर 99 जॾहिं गवर्नमेंट खे पैसा ॾियनि था त उहो पंहिंजो कमु करे सघंदा उन्हनि खे असां रोके नथा सघूं ज़मीनूं उन्हनि माण्हुनि जूं हुयूं जेके उन्हनि पर चवण जो सिर्फ़ु मक़सदु इहो जॾहिं हिकिड़ी प्रोजेक्ट कनि था त उते उहो जेके मसाला मसाइल आहिनि उहो उन्हनि माण्हुनि जा कानून जी पासदारी नथा कनि हा कानून जी पासदारी तव्हां जॾहिं आहियो चूंडजी अचो था तव्हां हुकमरान थियो था असेंबली में हुजो था कानून साज़ आहियो कानून ठाहिणु तव्हांजे हथ में आहे केर अमल कराईंदो ॾिसो इहे आहिनि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी असां उनखे 12 लिखी चुका आहियूं पर बहरहाल इन्हनि शयुनि खे बि असां फेस करियूं पिया हिन वक़्तु तव्हां 100% मूं गैस ते करायो आहे
किथे भी अड़ो इलाको ना जिते गैस न हुए इतने पानी 100% कराया इतने लाइट मु तकरीबन 100% लाइट दिनी इतने सेवरेज जी 8 करोड़ की मेन सेवरेज सेवरेज आया इतफाक है पानी भी सेवरेज लाइन 8 करोड़ की मेन लाइन जी निकाल हो ही को जो सेवरेज जो निकाल हो कौन यो नालो मुता खणायो वही जो स्टील मिल जो नालो उते विजायो जहर अंदर गलियों तवा डिठी होंदी गंदी मेन रोड जी गाल था क्या मेन रोड हां गलियों खत्म होंदी पर हां जरे सेवरेज हेर थी है उनका पुठिया जाय रोड थींदा जरे सेवरेज थींदी तो रोड थींदो ना जरे सेवरेज न होतो तो रोड बनाण बेकार असा या कोशिश कई थी असा पूरे इलाके के अंदर सेवरेज दिनी है जे इन वक्त 30% जे गलियों वगैरह रहन थी वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराईंदी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन के असा चयो तो ये मेहरबानी करे गलियों वगैरह जे कराई दई छियो ताकि असा इन जो रोड जो नेटवर्क उछलायो तमा साज जोखे जी गाली बुधियो केतरा मुतमैन थिया हो केतरा ता उन अन्या तवा जा सवाल रहन था यकीनी तौर ते इलेक्शन ताई ही गालियों हलंदी रहंदी होई आखरी दिन जको 25 जुलाई ते तवा वट जको हथियार है वोट जी सूरत में वो तवा सोचे समझी विजो चाहे तवा साज जोखे के विजो या इन जके मुखालफत के विजो पर दिस जो उन्होंने कारकर्दगी तहां ला केड़ी देखारी आ नाजरीन धरती अवां जे तक में इन वक्त असा मौजूद आयूं एने 236 ते मलीर एक जी एक कॉन्स्टिट्यूंसी आ तक है जिते पीटीआई जे उम्मीदवार डॉक्टर मसरूर सियाल तरफा मुकाबलो कयो वेंदो पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार सा पहिरीं त असां डॉक्टर साहिब खे धरती अवां जे तक में भलीकार कयूं डॉक्टर साहिब सभ खां पहिरीं असांजो सुवाल इहो ई हूंदो आहे त तव्हांजो मंशूर तव्हांजो मौक़ुफ़ तव्हांजो प्रोग्राम छा आहे साईं मौक़ुफ़ असांजो चिटो ऐं क्लियर आहे करप्शन खां पाक पाकिस्तान इंसाफ़ हर दर ताईं जंहिं तक तां मां इलेक्शन विढ़ां थो पियो उन तक जी तव्हां पोज़ीशन ॾिसंदव कराची जे ॿियनि तकनि खे त छॾियो पर हीअ जेका 50% रूरल एरिया अचे थी पई 50% अर्बन एरिया अचे थी पई अर्बन एरिया में पाणी पीअण जो थोरो घणो मुयसरु हूंदो साफ़ु न हूंदो मेरो हूंदो पर रूरल एरिया में ॿियूं का बि सहूलियतूं छॾियो पर मूंखे अफ़सोस थो थिए जॾहिं मां उते वञा थो पियो त उहे माण्हू पाणी जे पीअण खां बि जेको आहे सो मजबूर आहिनि उन्हनि खे हिन महिल ताईं पीअण जो पाणी बि न मिली सघियो आहे पीटीआई जो सिंध में को ख़ासि वोट बैंक त नज़र नथो अचे तव्हां डॉक्टर साहिबु पहिरियों भेरो इलेक्शन में बीठा आहियो ऐं बीठा बि अहिड़ी पार्टी ते आहियो जंहिंजो को वोट बैंक कोन्हे को हिते भाईजान पीटीआई 2013 में टियों नंबर वॾी जेको आहे सो पार्टी थी उभरी हुई ऐं सिंध मां कराची मां सिंध मां हुनजा जिथां बि कैंडिडेट बीठा हुया उन्हनि मां उन्हनि खे तमामु जेको आहे सो घणा वोट मिलिया हुया हींअर तमामु घणो वोट बैंक आहे हीअ असांखे सिर्फ़ु माण्हुनि ताईं अप्रोच खपे थी पई हाणे असां माण्हुनि वटि वञूं था हाणे अहिड़नि अहिड़नि जॻहियुनि ते जिथे को अल्टरनेट ई न हुयो हुननि वटि को नुमाईंदो वियो ई न हुयो उहे छा कनि हू मजबूरी पीपल्स पार्टी खे वोट ॾींदा हुया हिन महिल सम्झूं था पिया त हिन तक में ही मलीर जे अंदरि असांजो तमामु घणो वोट बैक आहे सिर्फ़ु असां उन्हनि ताईं पुॼी न सघिया हुयासीं मुतबादल था सम्झो त सिंध में जेकॾहिं मुतबादल पीपल्स पार्टी जो केरु आहे त उहा तरीक़े इंसाफ़ आहे 100% जेके जी डी ए ठहियो अलायंस या जेके ॿिया ॿियूं धुरियूं ॿियूं पार्टियूं आहिनि उन्हनि जी तव्हां पोज़ीशन किथे दर्ज़ो सर जी डी ए जी पंहिंजी पोज़ीशन आहे जी डी ए मां बि जेके इलेक्टेबल माण्हू आहिनि जेके नोटेबल माण्हू आहिनि जेके रहिया आहिनि सीटुनि ते उन्हनि हिकिड़ो जेको आहे सो अलायंस ठाहियो आहे उहो बि हिकिड़ो मज़बूत अलायंस आहे असां पी टी आई वारनि जो बि उन्हनि सां हिकिड़े क़िस्म जो अलायंस आहे त सीट एडजस्टमेंट उन्हनि सां थींदी उहा बि अलाह कंदो त असांजो हिकिड़ो हिसो आहिनि गॾिजी करे असां पीपल्स पार्टी जी हिकु हटी खे टोड़ींदासीं डॉक्टर मसरूर सियाल जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं खटणु वञनि था पिया ऐं पोज़ीशन बहितर आहे यकीननि जेके बि इलेक्शन में बीठा हूंदा आहिनि उमेदवार उन्हनि जो इहो ई ख़्यालु हूंदो आहे इहो ई चाहींदा आहिनि त हुनजी उमेदवार हू खटींदा बि सही ऐं हुनजी पोज़ीशन बहितर हूंदी आहे नादरीन PA 87 मलीर में मौजूदु आहियूं ऐं मलीर में जिते तव्हांखे असां पीपल्स पार्टी जे उमेदवार सां कचहरी कराई उन्हनि खे उन सां ॻाल्हायोसीं ऐं मुस्लिम लीग नून जे उमेदवार सां ॻाल्हायोसीं अहिड़ी तरह सां हिन वक़्तु असां मौजूदु आहियूं GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जे उमेदवार PA 87 ते मौजूदु आहे वली जान बरकी बरकी साहब पहिले मुझे ये बताएं आप पहली इलेक्शन लड़ रहे हैं सही आपको अपने हल्के का पता है हाँ हमारा हल्का यहाँ पर जो है ना PA 87 में ये गुलशन हदीद पिपरी चावल गोदाम सिंधी गोड शाहटोन और आबादी कितनी है आबादी 1,00,000 कम से कम 34,000-35,000 है और टोटल वोट कितने हैं वोट भी इस इलाके में तकरीबन 1,34,000 सारी आबादी वोट देती है इनशाला उम्मीद तो ये है कि सारे आबादी अगर वोट नहीं दे ना तो इनशाला 3 हिस्से वोट मुझे मिल जाएगा मतलब 1,34,000 आपने कहा कि आबादी है जी जी और रजिस्टर्ड वोट भी 1,34,000 है जी हाँ तो
ये सारे वोट देंगे, अगर आपको दे ना दे मगर ये इतनी आबादी उतने ही वोट है। जी जी, इतनी आबादी इतनी वोट, इतने ही वोट है। आपकी तालीम कितनी है? तालीम है हमारा मैट्रिक पास। मैट्रिक पास है? मैट्रिक कहाँ से आपने किया? वजीरिस्तान से। मैट्रिक आपने वजीरिस्तान से किया? और आगे पढ़ रहे हैं या पढ़ने का इरादा है क्या? पढ़ने का इरादा नहीं है, बस मैट्रिक काफी है। काफी है, मैट्रिक से काम हो जाएगा इंशाल्लाह। मुफ्त का मिला। जी जी, ये एक इत्तेहाद है बहुत सारी पार्टियों का। जी हाँ। उसके सरबरा कौन है? इसके सरबरा सरदार रहीम। सरदार रहीम है। और जनरल सेक्रेटरी कौन है? जमालुद्दीन भाई। जमालुद्दीन भाई जी डी ए के जनरल सेक्रेटरी। जी जी। हीओ वली जान जी डी ए जो उम्मीदवार पी एस 87 मलिर खां तुम गाल बुधियं। नाजरीन, यकीनी तौर से जो पार्टियों टिकट दियन थी, वे पार्टियों टिकट मानों के सोचे समझी परखे दिसी करे दियन थी, तो जैसे असेंबली में वींदा तो जी वली जान चो तो मसलन के उथारींदा, मसलन के उथारण लाय उन जान होजन भी जरूरी है। वली जान की जान तवे अगर है, तुम बुधो तो वली जान जो गाल उन में केतरे तई कामयाब। नाजरीन, तुम पी एस 87 एन ए 236 मलिर के तक की सूरत हाल डी, उत अवाम जहाँ राया बुधा, उत उम्मीदवार जो गाल बुधी, उन मंशूर बुधा, उन सोच बुधी, अवाम के रैलियों का भी आगाह कियोसी। इंशाल्लाह अस वरी कें बे तक में वरी तक उतन से उतम से रूशनास कराइंदी। तेस तई मुख्य इजाज़त अलावा ही।